हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर सिक्स। यहाँ पर हम 2.2 में क्वेश्चन नंबर सिक्स की शुरुआत करने वाला है। इसके पहले के वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को उसको भी देखा था और साथ ही साथ इसके कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को भी देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनरी एन्युटी। यानी यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है किसका, एन्युटी का, ऑर्डिनरी एन्युटी बोला है ऑफ 63,000 रुपीज। यहां पर ये जो 63,000 है वो आपकी इमीडिएट एन्युटी, जिसको हम ऑर्डिनरी एन्युटी भी कहते हैं, फॉर फोर इयर्स, चार सालों के लिए एट द रेट ऑफ 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बेटा यहाँ पे एनुअली बोला है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वार्टरली बोलता, ईयरली बोलता, मंथली बोलता, वीकली बोलता, डेली बोलता, तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत पड़ती। बट आपको यहाँ पर क्या बोला है, 63,000, तो क्या हम इसे बोल देंगे 63,000 हमारा सी का वैल्यू है? जी हाँ सर जी। एन का वैल्यू क्या होगा बेटा, एन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी फोर इयर्स, कोई दिक्कत नहीं सर। और हमारी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14%। तो अगर मैं इसे आई में कन्वर्ट करूँ तो क्या इसको आई में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस सर जी, आप आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 14/100 कर दीजिए तो कैन वी से 0.14 इज माय द वैल्यू ऑफ आई। यस सर। अब हमें क्या निकालने बोला है, अब हमें यहाँ पर सी का वैल्यू निकालना है कि पी का वैल्यू निकालता है? सर आपको पी का वैल्यू निकालना है, तो सर पी का फॉर्मूला था सी अपॉन आई इंटू द ब्रैकेट 1 - 1 + i^-n - n। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है सर, 63,000 दी गई है। आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 0.14 दी गई है इंटू द ब्रैकेट 1 - 1 + i 0.14 और रेस टू एन माइनस में आ जाएगा, तो रेस टू एन में आपका वैल्यू आ जाएगा 4, क्वेश्चन में दिया गया है। तो अभी 63,000 है। अब मैं आपको एक स्टेप कम कर देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं 14 लिखता लेकिन यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ। सर आपने कैसे किया बेटा, वन आपने 100 का मल्टीप्लाइड ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर 1.14 - 4 ऊपर की तरफ आ गया। यस सर। अभी देखो इसको कैंसिल करो, 14 14 4 56 carry 7। ठीक है, 14 5 तो कैन वी से 4,50,000। यस सर आप कह सकते हो, इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस। अभी देखो 1.14 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है सर, कितना दिया गया है, 0.5921। क्या दिया गया है, 0.5921। तो आप बेटा 4,50,000 का मल्टीप्लाई आपको इसके सब्सट्रैक्शन के साथ करना है। तो अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,4079। तो अब मल्टीप्लाइड कर दो, 4,50,000 का मल्टीप्लाइड आपको 0.4079 से करना है, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलने वाला है 1,83,555 रुपीज। ठीक है, तो इसे हम क्या कहने वाले हैं सर, हम इसे कहने वाले प्रेजेंट वैल्यू, बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, एन्यूटी। तो एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो सर एन्यूटी का प्रेजेंट वैल्यू होगा 1,83,555 रुपीज। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। यानी एक औरत है जो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे बचाना चाहती है। शी विशेष टू एक्यूमुलेट द सम ऑफ 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 इयर्स, चार सालों के बाद वो एक्सपेक्ट करते कि उसे 4,64,100 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू मिलेगी। तो क्या मैं उसे ए कह सकता हूँ? यस सर, 4,64,000 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू उसे मिलेगी। सर इसको 4,64,100 की एक्यूमुलेटेड वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद कितने सालों बाद बोल रहा है सर, एन चार सालों बाद बोल रहा है, तो चार सालों बाद उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू। व्हाट अमाउंट शुड बी इन्वेस्ट एवरी ईयर इफ शी गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%
और जब मैं उसको आई में कन्वर्ट करूंगा ना, तो 10% को आई में कन्वर्ट करने पर मुझे मिलेगा 0.01%। तो अब मुझे ए का यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया है। तो सर ए का फॉर्मूला आता है सी अपॉन आई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस i रेस टू n माइनस 1। ए का वैल्यू मुझे दिया है सर यस 4,64,100 रुपीज, ठीक है। सी का वैल्यू मुझे दिया नहीं गया है, और आई का वैल्यू दिया है 0.1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेस टू n, n की जगह पे 4 साल बोला है, -1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 4,64,100 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करूंगा, ये जो 1 0.1 है ना उसको साइड में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो सी ऐसा का वैसे ही रहेगा, यस सर। अब 1.1 रेस टू 4 माइनस 1, यस सर। अब बेटा 0.1 का मतलब क्या होता है, इसका एक जीरो गायब कर दो। गायब करने का मतलब क्या होता है, 4,64,10, 10 बचेगा नहीं, मतलब 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक जीरो लास्ट में हट जाएगा। सी अब 1.1 रेस टू 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 1.4641, 1.4641 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा 4,64,10 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड 1 के साथ 1 माइनस हो तो 0.4641 बचा, यस सर। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा बेटा, 4,64,10 डिवाइडेड बाय 0.4641 इज इक्वल टू सी। अब बेटा यहाँ पर मुझे नीचे कितना जीरो के बाद कितना वैल्यू है, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4,64,10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, यस सर आप ऐसा कह सकते हो, डिवाइडेड बाय 0.4641 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। 4,0,4,0 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4,0,4,0 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4,64,10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 रुपीज, नीचे का फ्रैक्शन हटा दो, 4,641 इज इक्वल टू सी। तो बेटा फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दो, तो सर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हर साल की कितनी आ गई सर, 1 लाख रुपीज आ गई। आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हर साल की कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज। तो अ लेडी शुड इन्वेस्ट, अ लेडी शुड इन्वेस्ट इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख एवरी ईयर एज एन एन्यूटी, यानी वो एन्यूटी के तौर पे हर साल कितना रुपए इन्वेस्ट करनी चाहिए सर, वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ सकता हूँ, जी सर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ 6,96,150 आफ्टर 4 ईयर्स, यानी एक इंसान है जो 6,96,150 रुपए का फंड 4 सालों में क्रिएट करना चाहता है फॉर द रिटायरमेंट पर्पज। बेटा करना चाहता है या कर दिया, सर करना चाहता है। ये फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, सर फ्यूचर है। तो सर फ्यूचर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बेटा फ्यूचर को हम लोग बोलेंगे एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो 6,96,150 आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो गई। कितने सालों में वो चाहता है, तो सर वो 4 सालों में चाहता है। ही डिसाइड्स टू इन्वेस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इन अ बैंक दैट ऑफर्स हिम इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो अगर वो 10% का इंटरेस्ट चाहता है, तो उसके लिए आई की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, जी सर जी हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बोला कि वो कितने हर साल वो कितना पैसा लगाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू को हम इमीडिएट एन्युटी बोलेंगे, अगर एक ही फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो। ए प्रेजेंट वैल्यू मतलब इमीडिएट एन्युटी, जिसमें हम किसका वैल्यू निकालेंगे सर, सी का वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले के समय भी हमने वही किया। तो ए का फॉर्मूला लगाओ, सी अपॉन आई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस i रेस टू n माइनस 1। अब ए का वैल्यू कितना है, 6,96,150 इज इक्वल टू सी। आई का वैल्यू 0.1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस 0.1 रेस टू n, n मतलब 4 माइनस 1,
6961 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू सी इंटू द ब्रैकेट 1.1 रेस टू 4 सर 1.1। अरे बेटा सिंपल कैलकुलेशन, 1 + 0.1 ना। अच्छा 0.1 के साथ मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो क्या मेरा एक जीरो हट जाएगा? जी सर जी, एक जीरो हट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू सी। अब 1.1 रेस टू 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यस सर, इसके पहले के क्वेश्चन में भी दिया था 1.4641 माइनस 1। अब बेटा ये माइनस वाला पार्ट है, पहले आप लोग सॉल्व कर दो। जी सर जी, सॉल्व कर देते तो सी का मल्टीप्लाइड अगर करूँ तो 0.4641 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड वैसे ही करोगे, फिर सी का वैल्यू तो 69615 के साथ 69615 के साथ 0.4641। इसको सॉल्व करने के लिए मैं मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करता हूँ तो नीचे की वैल्यू का पॉइंट हट जाने वाला है बेटा। तो सी का वैल्यू आएगा 69615 × 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4641। तो आपका सी का वैल्यू क्या आएगा मेरे को, क्या आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जी सर, हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4641 का डिवाइड करने का इसके साथ। सर कैसे डिवाइड करेंगे? तो बेटा देख, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो आप क्या करो पता है, आपके पास 3-4 ऑप्शन है क्या करने का। 4641 पहले मल्टीप्लाइड 5 के साथ करो तो देखो आता है क्या आंसर, सर नहीं आएगा। फिर आंसर 15 के साथ करो, देखो आंसर आता है क्या। तो फिर 35 के साथ, फिर 45 के साथ, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता हूँ मैं। मान लो 4000 समझो, 4000 तो 45 से कितना था 20, तो सब 20,000 है क्या? नहीं। अच्छा 4000 का मल्टीप्लाइड में 15 के साथ करो तो 15 × 60,000 60,000, तो ये 60,000 के आसपास का फिगर है ना। यस, तो आप क्या करने का, ये जो 4641 है ना, इसको 15 से मल्टीप्लाइड करके देखोगे ना तो आपको 69615 ही मिलेगा। सर अगर 25 से करते तो 25 × 100 100,000 के आसपास, तो ये वाली वैल्यू 100,000 के ऊपर है क्या? नहीं। इस हिसाब से मैंने किया, ठीक है। तो 15 का मल्टीप्लाइड 10,000 के साथ करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,50,000 रुपीज। इसका मतलब अ पर्सन शुड इन्वेस्ट रुपीज 1,50,000 एवरी ईयर एज एन एन्यूटी। एन्यूटी के तौर पर कितना पैसा लगाना चाहिए? सर वो 1,50,000 रुपया हर साल लगाएगा तो भाई साहब को उसकी रिस्पेक्टेड वैल्यू 6,96,150 मिलने वाली है। जी सर जी, क्या हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ सकते हैं? यस सर, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी तकरीबन देखने के लिए तो उसी तरीके का लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है जरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इफ द एन्युटी इमीडिएट इज 20,000 पर ईयर अमाउंट टू 2,60,000 इन 3 years, ठीक है, 20,000 रुपया हमें पे करना है। 20,000 हमें क्या करना है, पे करना है, जिसे हमें फ्यूचर में 2,60,000। तो इन दैट केस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? तो माय डियर, सबसे पहले 20,000 को 2,60,000 बनने में 3 साल लग रहा है, तो 2,00,000 जो 20,000 रुपया वो मेरा इमीडिएट एन्युटी हो गया, और जो 2,60,000 है वो मेरी एक्यूमुलेटेड दैट इज फ्यूचर वैल्यू हो गई 2,60,000 रुपए, और इसे बनने के लिए टोटल 3 सालों का समय लग रहा है। जी हाँ सर, तो आपको आर का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले मैं ए का फॉर्मूला लगा देता हूँ सर, सी अपॉन आई इंटू द ब्रैकेट, जिसको हम लोग ब्रैकेट ओपन ऐसा करेंगे, फिर उसमें करेंगे 1 + i^n-1, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है, 2,60,000, जी सर जी, इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, 20,000। आई का वैल्यू कितना है, सर आई तो आपको दिएला ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 + i दिया नहीं है, रेस टू एन, एन तो 3 दिया, -1, कोई दिक्कत नहीं, तो 2,60,000। अब यहाँ पर क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर सकते हो, तो आप क्या करो 20,000 को यहाँ लेकर आ जाओ, तो 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो सर ऊपर क्या बचा बेटा, 1 + i बचा, ठीक है, इंटू द ब्रैकेट 1 + i^n-1, रेस टू एन की जगह हमने 3 लिख दिया,
क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, 0000 0000 0000 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा, तो 13 आ गया। यस, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन i, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस i रेस टू 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सर सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैलेंज आपके सामने हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें तो फॉर्मूला से इतना डर लगता है कि सर आप पूछो ही मत कैसे करोगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, 1 प्लस i ऐसे ही रखता हूँ। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में क्या होता है, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर ए क्यूब का ए क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b + 3ab² ये फॉर्मूला होता है। जी सर जी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² जी सर जी। तो ए क्यूब बोला है तो 1 का क्यूब कितना होने वाला है सर, 1 होगा, प्लस आई का क्यूब कितना होने वाला है सर, आई क्यूब हो जाएगा, यस, प्लस 3a² b, तो 3 × 1² × i प्लस 3 × 1 × i² तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो 3 × 1 = 3i आएगा, यस सर, प्लस, बट 3 × 1 = 3i² हो जाएगा, i² माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, जी सर, तो 31 + i। अब आप लोग देखो, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, i³ + 3i² कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आई है, तो क्या मैं इस डिवाइडेड बाय आई को सबके साथ डिवाइड कर सकता हूँ? जी सर आप कर सकते हो। तो i³ को डिवाइड करो i के साथ, प्लस 3i को डिवाइड करो i के साथ, और प्लस 3i² को डिवाइड करो i के साथ, तो 13 हो गया, आई और i³, तो i² बचा, प्लस i कैंसिल, तो 3 बचा, और i² को i से गया तो i बचा, तो 3i। अब मैं क्या करता बेटा, इसको लाइन से लगाता हूँ। i² पहले लिखूंगा, यस सर, प्लस 3i लिखूंगा, यस सर, प्लस 3 लिखूंगा, यस सर, और 13 प्लस में इधर के क्या आएगा, माइनस 13, तो क्या उधर 0 बच गया, यस। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा क्यों लग रहा है? यस बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल इसने ले ली है। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चिड़िया का नाम है बेटा? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिस भी इक्वेशन के अंदर का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा रेज्ड टू क्या होगा, 2 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना कैसे है? देखो -10 का मल्टीप्लाइड 1 के साथ करो, तो -10 × 1 = -10, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। यहाँ पे देखो +3 बोला बेटा, +3, तो बड़ा वाला प्लस में छोटा वाला माइनस, तो कैन वी से i² + 5i - 2i - 10 = 0। तो अब मैं इसका पेयरिंग करता हूँ बेटा, तो फर्स्ट वाले में i कॉमन हो गया, तो i + 5 एक साइड हो गया, सेकेंड वाले में बेटा 2 कॉमन हो गया, तो i + 5 सेकेंड वाले में, सॉरी ये तो चीटिंग है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो i + 5 एक ब्रैकेट और i - 2 दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करेंगे बेटा, i + 5 = 0, सो मेरा i का वैल्यू हो जाएगा -5। बट सर हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नेवर बी नेगेटिव, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर i = -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता, जी सर जी। तो अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, i - 2 = 0, तो बेटा -2 को +0 कर दो, तो i का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो आई का मल्टीप्लाइड 100 से कर सकते हैं क्या, यस, तो इसका मतलब मेरा परसेंटेज तकरीबन 2 × 100 = 200% आने वाला है, जी सर। तो
इसका मतलब अगर आपको 20,000 रुपये को 2,60,000 में कन्वर्ट करना है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 200%। ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ी सी बेसिक्स की जरूरत थी, 10th स्टैंडर्ड में आपने उतना बेसिक किया होगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार सॉल्व कर लोगे तो आपके पल्ले में पड़ जाने वाला है किस तरीके से उसको कर सकते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इयर्स। अभी भाई साहब आपको नंबर ऑफ इयर्स बोला है निकालने के लिए, फॉर विच द एनुटी ऑफ 500 इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी ये आपकी इमीडिएट एनुटी हो जाती है। दैट इज आपको यहाँ पर सी का वैल्यू दिया है 500 रुपीज, कि आप हर साल 500 रुपया भरते हैं। इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स टू 1655 व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10%, यानी आपकी अक्यूमुलेटेड अमाउंट दैट इज ए का वैल्यू आपका हो जाता है 1655, कोई दिक्कत, और आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 10%। तो अगर मैं इसे आई में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या ये 0.1 बन जाता है? जी सर जी। तो ए का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन आई इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। सर आपके पास ए का वैल्यू 1655, यस बेटा। आपके पास सी का वैल्यू कितना है, 500, आपके पास आई का वैल्यू है 0.1, 1 प्लस आई कितना है 0.1 रेस टू n, n इज नॉट गिवन, ओके। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, 1655 इज इक्वल टू, अब ये 0.1 है तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर, सो 5000 ऊपर हो जाएगा, नीचे का तो वन ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.1 रेस टू n माइनस 1, अब क्या करो, 1655 डिवाइडेड बाय 5000, मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ लेकर आ गया, तो वहाँ पर क्या बचा, 1.1 रेस टू n माइनस 1। सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि रेस टू n है, वहाँ पर तो वह है नहीं, नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले नीचे का 30 के लिए मैंने यहाँ पर 1000 लगा दिया, 5 3 15 carry 1 5 3 15 5 1 5 is equal to 1.1 raised to n minus 1। तो अगर मैं इसको 30 कट आऊँ तो 1, 3 और 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, पीछे से 30 आ गया ना, 1.1 raised to n minus 1। अब बेटा मेरे को बताओ ये माइनस वन को इधर लेके आया तो प्लस वन हो जाएगा, तो 0.331 plus 1, तो 1.1 raise to n, यहाँ पर 1.331 is equal to 1.1 raise to n। अब 1.331 कब आता है, 1.1 के ऊपर अगर मैं क्यूब करूँ, 1.1 का अगर मैं क्यूब करूँ तब मेरे को ये पॉसिबिलिटीज है, यस सर। तो इसका मतलब मेरा n का वैल्यू यहाँ पर 3 निकल सकता है क्या, यस सर। इसका मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ जाएगा, सर आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ गिवन एन्यूटी, आपको जो एन्यूटी दिया गया है ना, उस एन्यूटी के बेसिस पर आपका नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा 3 ईयर्स, यानी अगर आप 500 रुपये हर साल जमा करते हो तो 3 सालों के बाद आपको 1655 रुपये मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले टाइमों में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।